और कुछ कुशन ना पीछे से कट लगा हुआ था, साइड से ना चेन खराब थी, तो इस तरीके से इनको यहाँ से ना थोड़ी सी सिलाई मारनी है, वो करूँगी अभी। आचे क्या वालो ओ आचे? भालो, हम तो गर्म हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है और पूजा मैं कर चुकी हूँ सुबह की, और यहाँ पर बना रही हूँ अब नाश्ता और लंच। और तो देख लीजिए, गाय माता की रोटी मैंने निकाल ली है, तो बस अभी भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगी। सब्जी बनाई है मैंने आलू मटर की, ये देख लीजिए। तो अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है लड्डू गोपाल जी का खाना, इतना गरम गरम नहीं खा पाएंगे, तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी को खिलाऊंगी। और यहाँ पर गौ माता को पहले लगा देती हूँ भोग। यहाँ पर लगेगा अब मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग, और खाएंगे मेरे लड्डू गोपाल जी खाना। तो ये मिक्स हो जाएगा भोग सारा। यहाँ पर ये रोटी जो है वो मैं इनको दे दूंगी, तो जाते वक्त ना ये गौ माता को जो है खिलाते हुए जाएंगे। तो सब्जी मैंने इस बॉल में खाली कर ली है। अभी सब लोग जा चुके हैं वैसे तो, और टाइम मैं बता देती हूँ आपको क्या हो रहा है। 11 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ साफ सफाई घर की। तो अभी पापा के रूम में जो है चादर लगाई है, और चादर लगाने के बाद ये जो रजाई है ना, अब क्या हो रहा है ना, एक दो दिन से रजाई ओढ़ नहीं रहे हैं पापा जी भी और कुशल भी, क्योंकि दोनों ही यहीं सोते हैं। तो इस वजह से ये रजाई मैं सोच रही थी इसको ना उठा के अब रख दूँ अंदर, लेकिन वही है, ठंड का कुछ पता नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने अभी साइड में ही रखी है, उसके बाद ही फिर इसको अंदर रखूँगी। और काफ़ी जो है ना दोस्तों क्लीनिंग का काम बाकी है घर का, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है घर। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कवर निकाले हुए हैं, अभी सोफ़ा कवर चेंज किए हैं, ये वाले लगा दिए हैं, ब्लैक वाले पहले लगे हुए थे, ये वाले पर्पल वाले, तो अभी ये चेंज करके अभी कुशन कवर भी डालने हैं। इधर दिखा देती हूँ, यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े, और आज धूप बहुत तेज़ है, अच्छी धूप है तो सूख जाएंगे। इधर कल राशन आया हुआ था, वो भी डालना है, तो बहुत सारा काम है। बने रहिएगा आप ब्लॉग में और देखते रहिएगा ब्लॉग को। सारे कुशन जो है मैंने डाल दिए हैं, फटाफट से इनको रख देती हूँ अब, और बाकी आगे का काम करती हूँ। और कुछ कुशन ना पीछे से कट लगा हुआ था, साइड से ना चेन खराब थी, तो इस तरीके से इनको यहाँ से ना थोड़ी सी सिलाई मारनी है, वो करूँगी अभी। तो यहाँ पे सुनियो सोने में मस्त है, देखो ये देखो सुनियो, सुनियो कोई होश नहीं है, क्या हो रहा है, सोने में लगा हुआ है। और इधर मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू, पोछा भी मैंने लगा लिया है दोस्तों, उसके बाद बस अब ये पायदान वगैरह बिछा दूंगी। और कपड़े भी ना लगभग धुलने ही लग रहे हैं, दो दो स्लॉट तो कपड़ों के मैं सुखा चुकी हूँ, और एक स्लॉट रहता है वो भी सुखा दूंगी अभी, तो उसके बाद निपटेगा मेरा काम। रसोई में बर्तन अभी करूंगी, सारे बर्तन साफ,
और यही सब चलता रहता है दोस्तों, हम हाउसवाइफ का सारा दिन, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो ये देखिए कितने ढेर सारे कपड़े मैं लेकर आई हूँ सुखाने के लिए, बहुत सारे, इनको सुखा देती हूँ। क्या हुआ, तो किसी ने तोड़ दिया यार, तो नहीं कौन तोड़ता है। परेशान हूं मैं तो बहुत ज्यादा। जा भी नहीं रहा, बाद में लगाऊंगी। वैसे ना कटिंग से भी लग जाता है, तो मैंने लगा दिया है, थोड़े दिन में इसमें जड़े आ जाएंगी। तो ये देखो सुनियो, उठ चुका है, और इधर मेरा काम खत्म होता है ना, इधर इसका उठने का टाइम हो जाता है। ये देखो उठ चुका है, इसको उठते ही चिल्लाने लग जाता है खाने को चाहिए। इसे मैंने थोड़ी पालक दी है, अभी वो खाएगा, और उसके बाद अब देखना इसको आधा एक घंटे तक ऐसे ही खाएगा और फिर सो जाएगा। तो दोस्तों इस वक्त हो रही है शाम, शाम के बज रहे हैं 6, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, आलू चप बना रही हूँ, उसके साथ थोड़े पकौड़े बना रही हूँ। आज काफ़ी टाइम से ना मन कर रहा था कि पकौड़े बनाऊँ, आलू चप बनाऊँ, और ठंड में ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा चलिए बना लेते हैं। तो उसी की तैयारी करके जो है वो मैंने पहले से प्रिपरेशन करके रख दी थी, अब सब लोग आ चुके हैं तो गर्म गर्म बना लेती हूँ फटाफट। यहाँ पर दोस्तों आलू चप जो है वो बन रही हैं और सब लोग खा रहे हैं गरम गरम। तो इसके साथ ही ना थोड़े से मैंने ब्रेड पकोड़े भी बना लिए हैं, क्योंकि कुशल और तन्नू ना ब्रेड पकोड़े बहुत शौक से खाते हैं, तो फिर मैंने थोड़े से ब्रेड पकोड़े भी बना लिए हैं। इसमें आलू का भी है, क्या वालो अच्छे, हम तो गर्म हो गए। हमारा डिनर हो गया और ये सुनियो को देख लो, इन्हें इसके बीज खाता है शिमला मिर्च के, देखो पूरे बीज सफा चट गए, और साथ में रखी हुई है ना ब्रेड, टंग नीचे रखना पड़ता है। ये देखो चनी चनी चनी, चल खा ले खा ले, सॉरी डिस्टर्ब नहीं कर सकते भाई इसे खाते वक्त। ये देखो बीज कैसे खा रहा है, ऐसे ही उठा दुनिया तोड़ना पहने।